लोगों से पूछे होते तो बेहतर बताते। लोग तो कुछ कह नहीं रहे, आप क्या कहेंगे? हम क्या कहें? बीजेपी वाले खुश हो रहे हैं। हम न खुश होते हैं न हम रोते हैं, हमें क्या लेना देना, तेरे अंगने में मेरा क्या काम है। आपको लगता है कि जेडीयू टूटने की कगार पे है और नीतीश जी ने फिर से कमान अपने हाथ में ले लिया? दादा कुछ होने वाला है क्या? देखिए, जेडीयू पर नए साल में पूरे तरह से ग्रहण लगा हुआ है। नीतीश जी अध्यक्ष बन गए हैं तो उम्मीदें चल रही है कि फिर से एनडीए में आ जाएंगे आप लोग के साथ? ना ना, हम लोगों का दरवाजा बंद है। सर, राजद के नेता हिंदू देवी देवताओं को लेकर बड़ा विवादित बयान दिया है, फतेह बहादुर सिंह फिर से हिंदू देवी देवताओं को लेकर बड़ा विवादित बयान। कौन है ये, कौन है फतेह बहादुर सिंह? आरजेडी के विधायक को ब्रह्मा जी के ऊपर कटाक्ष करते हुए और सरस्वती के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा, ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के साथ शादी किया है तो कहीं उनकी पूजा नहीं होता। ये जितने लोग हिंदू धर्म पर कटाक्ष करते हैं, चाहे आरजेडी के मंत्री हों, चाहे विधायक हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे स्टालिन हों, किसी में हिम्मत नहीं है। सब कायर हैं। हिम्मत है तो कभी कुरान पर कुछ बोल के देखें, कुछ मोहम्मद साहब पर बोल के देखें, तब इनको पता चलेगा कि किसी के धर्म किसी के आस्था पर चोट पहुंचाने का क्या नतीजा होता है। ललन सिंह नजदीक हो रहे हैं आरजेडी के, इस तरह का बात आ रही थी सामने कि इसकी सजा उनको मिली है लालू जी से करीब आने की। अरे यार, सब बात तो सामने आ गया है तो हमारे मुंह से काहे के लिए कहवा रहे हो? आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।